राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण में आड़े आ रहे दो मकानों का मामला विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा एवं भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्टेशन आने जाने का यह मुख्य रास्ता है, इसलिए करोड़ में ही मुआवजा क्यों न देना पड़े। इस मार्ग का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा का यह सवाल था कि मौदहापारा से गुरुद्वारा जाने वाले मार्ग पर नहरपारा के समीप स्थित मार्ग बाटल नेक हो गया है। सर्वे के बाद भी मुआवजा देकर हटाने का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग के पास लंबित है, इसे जल्द ही निपटाया जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ये जवाब में बताया कि भू स्वामियों द्वारा भूखंड अथवा मुआवजे की मांग किए जाने के कारण मार्ग चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव विचार में नहीं लिया जा सका है। मंत्री ने कहा कि 9 करोड़ मुआवजे की बात सामने आ रही है, इतने में तो बहुत सी सड़कें बन जाती है। हमारे विभाग में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह रास्ता रेलवे स्टेशन से जुड़ता है, यदि 9 करोड़ मुआवजे की बात है तो भी उसे सरकार दिलवा सकती है। पूर्व में भी मुआवजा देकर सड़कें बनवाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि आप दोनों विधायक प्रभावित लोगों से मिलकर चर्चा करें और तो बात आगे बढ़ सकती है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार होती है तो निश्चित रूप से ही हम चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर रोड बन गया, बहुत चौड़ा रोड बन गया, लेकिन आखिर में थोड़े से दो मकान जो इसके कारण बहुत बड़ा रोड आज हमारा रुक गया है, जिसमें रोज़ ट्रैफिक जाम रहता है। अगर जाके देखेंगे वहाँ पर तो रोज़ ट्रैफिक जाम रहता है। मुआवजे की बात है और 7 करोड़ हो, 6 करोड़ हो, 8 करोड़ हो, तो जनता से बड़ा कोई थोड़ी होता है। जनता को सुविधा देने के लिए हम लोग बैठे हैं, जनता को सुविधा के लिए मुआवजा देना चाहिए। उस रोड का जो बचा दो मकान, जितना भी मुआवजा हो, चौड़ीकरण करना चाहिए, जिससे लाखों लोग रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, लाखों लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं। एक रोड जो जेल रोड, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ रहता है। अगर एक रोड ये भी चालू हो जाएगा तो बहुत सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी इससे। ऐसी एक तात्यापारा रोड भी है, बहुत सारा हिस्सा वहाँ का भी लोगों को मुआवजा मिला था, बहुत सारा हिस्सा वहाँ का भी हो गया, तो वो भी मेरे विधानसभा में आता है। जो छोटा सा हिस्सा बचा है तो उसमें मुआवजा दे के, अगर नहीं मानते हैं कोशिश करना चाहिए पहले मनाने का। FIR में हो सकता है बहुत लोग मान जाएँ, FIR बात करेंगे, अधिकारी कलेक्टर कमिश्नर से बैठ के बात करेंगे तो बहुत सारा रास्ता निकलेगा। हजारों आवास ऐसे हैं जिनको लोगों ने अवैध कब्जा कर दादा लोगों ने कब्जा कर रखा है, भू माफिया लोगों ने कब्जा कर रखा है, सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा कर रखा है, और उसको जिनको मिलना चाहिए गरीब हितग्राहियों को, उनका शोषण हो रहा है, उनको मकान नहीं मिल रहा है। रेलवे स्टेशन के पास में एक सड़क है, जिस सड़क के चौड़ी होने से एक बाईपास सड़क बन जाएगी, परंतु उस सड़क को चौड़ी करने के लिए सरकार 9 करोड़ का मुआवजा देने तैयार नहीं है। 1300 करोड़ के धान को सड़ाने के लिए तैयार है, परंतु 9 करोड़ का मुआवजा अगर दे देगी तो रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाली एक सड़क तैयार हो जाएगी और उससे रायपुर शहर के लोगों को फायदा होगा। जब सरकार नई सड़कें बनाने में अरबों रुपए खर्च करती है तो एक पुरानी सड़क को चौड़ी कर 9 करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं कर सकती। और रायपुर शहर के प्रति तो ये सरकार पूरी तरह लापरवाह है, रायपुर शहर के साथ में, राजधानी के साथ में अन्याय कर रही है। जो रायपुर का स्काई वॉक है वो पिछले 2 सालों से सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। रायपुर का जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2 सालों से नहीं बना पा रही है।